बच्चों जय हिंद। आज आप लोग इस वीडियो में बरसात की आवाज़ सुन रहे होंगे। ये 15 जुलाई की जो बरसात थी इस साल हुई 2020 की, उसका एक नज़ारा है। देखिए, हम लोगों ने जो बच्चों के मेहनत से जो हम लोगों ने ट्रेंचेस बनवाए थे, आज उनकी क्या स्थिति है बरसात में। देखिए, वो अपने काम जो है बड़ी बखूबी कर रहे हैं। ये देखिए, आप प्लांटेशन भी हम लोगों ने किया झाड़। देखिए, ये लगाए हुए हमारे प्लांट्स, देखिए कैसी ग्रोथ हो रही है। वो ग्रोथ क्यों क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सीसीटी बनवाई हुई है, जिसको हम लोग ट्रेंचेस कहते हैं मराठी, जलापन चरमन तो कशी पूर्णपणे पाण्याने भरलेली दिसते तुम्हाला। ये देखिए, ये पैनेक्स का झाड़ है, कैसा डोल रहा है हवे के साथ। ये पूरा जो है ये स्लोपी एरिया है। ये स्लोप होने की वजह से क्या हो रहा है, इस टेकड़ी पर जो भी पानी बरस रहा है वो सारा का सारा इन ट्रेंचेस में आके जमा हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे रोड साइड की कंपाउंड वॉल देखिए, ये देखिए स्लोप देखिए, इसके वजह से पानी इस ट्रेंचेस में जमा हो रहा है। ये हम लोगों की जो स्कूल बिल्डिंग है उसके सामने बनाया हुआ है। देखिए, ये स्कूल बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं उसके। और ये देखिए, विशेष बोले तो यहाँ की जमीन देखिए कैसी, ऊपर से ही पूरे पत्थर देख रहे हैं आप। हार्ड मुरूम है, बहुत ही हार्ड मुरूम है। ऐसे मुरूम में खड्डे किए हुए हैं जेसीपी की सहायता से, उसमें हार्ड मुरूम निकलवा के मिट्टी भरी हुई है और प्लांटेशन किया हुआ है लास्ट ईयर। अभी देखिए, वो सारे के सारे प्लांट सुरक्षित हैं। पहली बरसात वो पिछले साल देखिए, अभी दूसरी बरसात में वो उनकी ग्रोथ और बढ़ रही है। देखिए ये ट्रेंचेस कैसा पानी से भर रहा है। ये बर्न्स देख रहे हैं आप, ये ट्रेंचेस पे बर्न्स हम लोगों ने डलवाए हुए हैं। ये देखिए, स्कूल बिल्डिंग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक ब्लॉक है उसके सामने का एरिया है। ये देखिए ट्रेंचेस देखिए, ये है हमारे बास्केटबॉल का और एमपी हॉल के कोर्ट का साइड का एरिया है। यहाँ पे लगाए हुए झाड़ देखिए कैसे डोल रहे हैं। ये देखिए, पिछले साल लगाए हुए प्लांट्स हैं और रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंचेस जो है बरसात में अपना काम बखूबी कर रही हैं। क्या काम? ये पानी जमा कर रही हैं और ज़मीन के अंदर जो बहकर जाने वाला पानी है उसे वो संग्रहित कर रही हैं, ताकि वो ज़मीन के अंदर परकोलेट हो और ज़मीन जो है ये हमारी रिचार्ज हो। काहे से रिचार्ज हो? पानी से। ये स्टोन बर्न्स, ये देखिए, ये जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, बच्चों ने पूरे कैंपस से जमा करके लाए हैं और इधर रखे हुए हैं। स्टोन बर्न्स बनाया हुआ है ताकि इस तरफ से जो बहकर आने वाला पानी है वो स्टोन बर्न्स की वजह से वहाँ जमा रहे और वहाँ पे जो झाड़ लगाए हुए हैं उनको पानी मिले, उसकी ग्रोथ हो। ये देखिए स्टोन बर्ड्स, ये आप देख रहे हैं ना, ये स्टोन बर्ड्स है और ये जमा हुआ पानी आप देखिए। बरसात चालू है, आप लोग बरसात की जो टप टप जो बूंदे पड़ रही हैं जमीन को उसकी महसूस कर रहे होंगे, उसको आवाज भी सुन रहे होंगे। ये देखिए कैसा, ये पिट्स देखिए पानी से लबालब भरा है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने झाड़ लगाया है। और झाड़ लगाते वक्त हम लोगों ने एक ख्याल रखा है कि उसे पूरी तरह से पिट्स को मिट्टी से ना भरा जाए, ताकि बरसात का पानी उसमें जमा हो। ये जो है सीमेंटेड फुटपाथ है जो कि हमें ओवरब्रिज की ओर लेके जाएगा। इसके दोनों तरफ जो है हम लोगों ने
झाड़ लगाए हुए हैं बच्चों की सहायता से, बच्चों ने लगाए हुए हैं। ये ट्रेंचेस है, ये अभी ज़्यादा नहीं भर पाई है। ये देखिए ये कैसा है? ये ट्रेंचेस है हाँ, ये देखिए ये पूरी लबालब पानी से भर गई है। क्यों भरी है? क्योंकि ये जो है ना, ये साइड पूरा उतार है, तो ये पूरा सारा पानी स्लोप होने की वजह से यहाँ आके जमा हो रहा है। अब ये एरियल व्यू देखिए, जो कि हम लोगों ने वो जो ओवर ब्रिज है वहाँ से लिया हुआ है, और ये पूरा हमारे कंपाउंड वाल आप देख रहे हैं, उसके अंदर का सीन है। और ये देखिए ये ट्रेंचेस हैं, चर इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसका बरसात का मजा लीजिए। देखिए बोलते हैं पानी अड़वा पानी जिरवा, हम हमारे यहाँ के बच्चे बोलते ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। प्रिंसिपल सर, हमारे सारे स्टाफ मेंबरों की सहायता से हम लोगों ने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है वाटर कंजर्वेशन वर्क का। देखिए वो कैसे कार्य कर रहा है, आप लोग सभी लोग देखिए, महसूस करिए और प्रेरणा भी लीजिए। जितना संभव हो जल को, वर्षा के जल को बचाइए, संग्रहित करिए।